जननायक जनता पार्टी अपने काम गिनवाएगी, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम तो अपने काम गिनवाएंगे। जननायक जनता पार्टी अपने काम गिनवाएगी, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम तो अपने काम गिनवाएंगे। हम किलोई के अंदर हुड्डा का जाकर के और इस तरह का राग रोना, ये दिखा देता है कि वो किलोई में कितने कमजोर हो। मजबूरी भूपेंद्र हुड्डा की है अपने बेटे का भविष्य बनाने की, मजबूरी ऐसे लोगों की है जो दामाद कंपनियां चलाएगा। कोई भी पार्टी का जीत का दावा अभी बहुत हवा हवाई है, अभी लोगों के बीच में जाना है, लोकसभा चुनाव बहुत दूर हैं, लोगों का विश्वास जीतना है और लोग आज जो है वो रीजनल पार्टीज की ओर बड़ी मजबूती से देख रहे हैं। मैं जहां भी घूम रहा हूं, भिवाणी के अंदर तो विशेष तौर पर डॉक्टर राजेश सिंह जी के काम को याद कर रहे हैं एज एम पी। आजकल के जो एम पीज होते हैं वो आपने देखा, बहुत सारे एम पीज तो गुमशुदा रहते हैं, अपने क्षेत्र का काम भी नहीं देखते। दुष्यंत चौटाला जैसे एम पी रहे या यहाँ पर डॉक्टर राजेश सिंह जी एम पी रहे, उस कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं, लोगों के बीच में रहने वाले को ही नायक बनाने का काम करेंगे आने वाले समय। तो ये दावे अभी तो बहुत हवा हवाई हैं। जननायक जनता पार्टी बहुत मजबूती से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट रही है। कांग्रेस जो पूरे समूखा विपक्ष है वो 23 तारीख को जो हथियार में इकट्ठा हो रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा क्या देखते हैं उनके साथ जाएगी? अब ये भानुमति का कुनबा जोड़ने का प्रयास है पर ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि सबके विचार अलग हैं। प्रधानमंत्री कौन होगा, सबसे पहला सवाल ये। बिना लीडर के फेस किया, अब डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में दुनिया में कहीं भी, स्टेट में, देश में या दुनिया में बिना चेहरे के कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। क्या मानते हैं जिस प्रकार से कांग्रेस मुखालफत कर रही है कि बीजेपी का जो मजबूरी का गठबंधन है, लूट का गठबंधन है, कांग्रेस के पास और कुछ नहीं है कहने को। कांग्रेस इसी बात का जवाब दे दे कि उनका संगठन कब घोषित होगा। बिना संगठन की देश में अकेली पार्टी है कांग्रेस, और जिसका संगठन नहीं होता वो कोई पार्टी नहीं। के बाद अब जो उनके बहन है उनके प्रदेश उनके आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की अब मजबूरी हो चुकी है, छोड़कर नहीं जा सकते, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है, राजनीति में किसी की कोई मजबूरी नहीं, राजनीति में मजबूती होती है, मजबूरी नहीं होती। मजबूरी उदय बहन जैसे लोगों की है, मजबूरी भूपेंद्र हुड्डा की है अपने बेटे का भविष्य बनाने की, मजबूरी ऐसे लोगों की है जो दामाद की कंपनियां चलाएगा और इनकी अदालतों में बड़े बड़े केस पेंडिंग हैं। ये मजबूर लोग हैं, ये मजबूर हैं, हम मजबूत हैं। इसके पीछे क्या कारण है उनका कहते हैं इस बार उनका चुनाव होगा मजबूरी? ये भावनात्मक लोगों को किलोई के अंदर हुड्डा का जाकर के और इस तरह का राग रोना, ये दिखा देता है कि वो किलोई में कितने कमजोर हो चुके हैं। तो है उनका काम होता आरोप लगाना, लेकिन कहीं ना कहीं जेजेपी भी अब बीजेपी का नाम लेने से बचती है कि नारा कर रही है। जननायक जनता पार्टी अपने काम गिनवाएगी, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम तो अपने काम गिनवाएंगे। हमने जो काम किए इस सरकार में, बीजेपी जेजेपी ने संयुक्त रूप से जो किए, दुष्यंत चौटाला की प्राथमिकता के तौर पे जो किए, हम अपने काम का गुणगान करेंगे, उसके गीत गाएंगे और उन्हीं के भरोसे जनता का विश्वास दुष्यंत को आशीर्वाद स्वरूप ही मिल जाएगा।